अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती की स्वायत्तता महत्वपूर्ण है और ये बरकरार रहनी चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने आज पहली बार नई दिल्ली स्थित प्रसार भारती मुख्यालय का दौरा किया और अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रसार भारती अच्छे तरीके से काम करे और नई नई योजनाएं और कार्यक्रम लोगों के लिए लेकर आए। हमारी भूमिका स्पष्ट है कि प्रसार भारती की ऑटोनॉमी एक महत्वपूर्ण है, वो कानून से आई है और इसलिए ये भी कानून इमरजेंसी के बाद बना, इसलिए बना कि उस पर कोई आंच ना आए। और हम भी यही चाहते हैं कि प्रसार भारती अच्छी तरीके से अपना काम करे, नए नए योजनाओं को लाए, लोगों की बदलती हुई आदतों को समेट ले। और मैंने आज अभी देखा फेसबुक से लेकर, ट्विटर से लेकर, यूट्यूब से लेकर बाकी सभी जगह भी प्रसार भारती का विस्तार हो रहा है, डिजिटल मीडिया का भी साथ साथ उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें भी नया आयाम ढूंढने का सभी अधिकारी प्रयास करें। और इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने दूरदर्शन न्यूज के 17 नए हाई डेफिनेशन DSNG वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये आधुनिक वैन देश के दूर दराज के इलाकों में दूरदर्शन की कवरेज को और बेहतर करेंगे। जावड़ेकर ने कहा कि इस नए वैन से दूरदर्शन की विश्वसनीयता और बढ़ेगी। आधुनिक वैन्स जो न्यूज कलेक्ट करने के आधुनिकतम तंत्र है वो प्रसार भारती ने अपना लिया है और सब जगह वो आज भेज रहे हैं। 17 वैन्स लिए हैं, यह अपने आप में एक बड़ी विशेष घटना है। पहले भी लगाए हैं, लोगों का HD प्रसारण होता है अन्य चैनल्स का, लेकिन न्यूज गैदरिंग भी, समाचार इकट्ठा करना स्पॉट पर भी DG वैन हो और उससे जाए तो एक दर्शक को बहुत अच्छा अनुभव आएगा। और इसलिए मैं प्रसार भारती को बधाई देता हूँ कि आज ये बड़ी पहल की है और इससे दूरदर्शन की विश्वसनीयता है, प्रेक्षणीयता भी बढ़ेगी।